कलाकार की तुलना किसी मायने में किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपने आप में खास होते हैं। बात अगर मशहूर विवादित पेंटर मकबूल फिदा हुसैन उर्फ एमएफ हुसैन की करें, तो उन्हें हिंदू देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की नग्न पेंटिंग बनाकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। मगर कहते हैं, कलाकार ना तो किसी तारीफ का और ना ही किसी की आलोचना का मोहताज है। उसके मन में जो चल रहा होता है वो उसी को पेंटिंग में उतार देता है। ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे भारत के पिकासो कहे जाने वाले एमएफ हुसैन। हालांकि उनकी कलाकारी के चर्चे भी खूब हुए, लोग उनकी कलाकारी के दीवाने हुआ करते थे। मगर जिस कलाकार की पेंटिंग की दीवानी पूरी दुनिया थी, वो कलाकार बॉलीवुड एक्ट्रेस धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के दीवाने हुआ करते थे। माधुरी के प्रति उनकी दीवानगी इस कदर थी कि उनकी फिल्म हम आपके हैं कौन उन्होंने 10-15 बार नहीं बल्कि 67 बार देखी थी। खास बात थी कि उन्होंने माधुरी के ऊपर पेंटिंग की पूरी सीरीज बना डाली थी। उनकी दीवानगी की हद यहीं खत्म नहीं होती। जब हुसैन की उम्र करीब 85 साल थी, तब उन्होंने माधुरी को लेकर साल 2000 में गज गामिनी फिल्म बनाई थी। मगर शादी के बाद माधुरी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन जब उन्होंने साल 2007 में फिल्म आजा नचले से बॉलीवुड में वापसी की, तो हुसैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि उस वक्त हुसैन दुबई में थे, लेकिन उन्होंने माधुरी की फिल्म देखने के लिए दोपहर के शो के लिए दुबई का लेम्सी सिनेमा पूरा का पूरा अपने लिए बुक करवा लिया। माधुरी के अलावा तो तब्बू, विद्या बालन और अमृता राव भी उनकी पसंद थी। अमृता के एक जन्मदिन पर तो उन्होंने 3 पेंटिंग्स गिफ्ट की थी, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। बात अगर हुसैन के करियर की करें, तो वो फिल्म निर्देशक बनना चाहते थे। करियर के शुरुआती दिनों में वो फिल्मों के लिए होर्डिंग बनाया करते थे, लेकिन एक वक्त आया जब निर्माता एहसान मियां ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हुसैन मुंबई में आए तो निर्देशक बने, लेकिन खर्च निकालने के लिए उन्होंने बिलबोर्ड बनाने का काम शुरू किया। यहीं से उनके मन में पेंटिंग के लिए प्यार जागा, जिसके बाद उन्हें 1940 में पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पहचान मिली। मगर क्या आप जानते हैं, इतनी महान शख्सियत होने के बावजूद उन्होंने पैरों में जूते चप्पल पहनने छोड़ दिए थे। दरअसल 1963 में उन्होंने घर से बाहर जाते हुए चप्पल पहनना बंद कर दिया था, जिसकी वजह हिंदी के मशहूर कवि मुक्तिबोध थे, जो कि एमएफ हुसैन के करीबी दोस्त थे। दरअसल जब वो उनके चिता पर गए, तो उन्होंने चप्पलें उतार दी, क्योंकि वो जमीन की तपन को महसूस करना चाहते थे। उसी दौरान उन्हें अपनी माँ भी याद आई। दरअसल जब हुसैन करीब 1.5 साल के थे, तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनके पिता कहा करते थे, तुम्हारे पैर तुम्हारी माँ जैसे हैं। उस वक्त उन्होंने सोचा, फिर मैं पैरों में चप्पलें क्यों पहनूं? जब हुसैन ने देवी की नग्न पेंटिंग बनाई, तो उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। जब उनसे सवाल किया गया कि क्यों उन्होंने नग्न पेंटिंग्स बनाई, तो उन्होंने कहा, इसका जवाब आपको अजंता और महाबलीपुरम के मंदिरों में मिलेगा। हालांकि अश्लील पेंटिंग के विरोध में हुसैन के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों से कई आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। बाद में हुसैन ने भारत छोड़ कतर की नागरिकता हासिल कर ली, मगर 9 जून 2011 को उन्होंने लंदन में आखिरी सांस ली और चमकता हीरो पूरी दुनिया को अलविदा कह गया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।